किरण्स किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ किरण और आज मैं आप लोगों के सामने बताने जा रही हूँ कि गाजर का हलवा का रेसिपी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनता है। इसका रेसिपी ऑलरेडी मैंने मेरे चैनल पर एक बार डाला हुआ है, लेकिन अभी मैं बताने जा रही हूँ कि बिना घिसे हुए आप गाजर के हलवे को कैसे अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि गाजर को घिसने में हमारा बहुत ही ज़्यादा टाइम चला जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाता है। तो आज मैं वो टाइम को बर्बाद ना करने के लिए आपको बता रही हूँ कि आप कैसे मिक्सी में इसको ग्राइंड करके, दरदरा ग्राइंड करके आप अपने हलवा को स्वादिष्ट बना सकते हैं, और ये देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है और खाने में उससे भी ज़्यादा यम्मी होता है। ये मिनटों में बनने वाला हलवा है, झटपट बनने वाला हलवा है, तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आएगा। और अगर पसंद आएगा तो अभी कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव को शेयर कर दीजिएगा और लाइक बटन को हिट कर दीजिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो मैं आपको वीडियो की ओर ले चलती हूँ। ये देखिए, मैंने 750 ग्राम के आसपास गाजर को अच्छे से वॉश कर करके अच्छे से मैंने इसको पील कर करके रखा हुआ है। आप ध्यान रखें कि गाजर को गीला नहीं रखना है, उसे पोंछ लीजिए क्योंकि इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो इसको ऐसे करने के बाद इसे छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से काट लीजिए। अगर आपके मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड नहीं हो रहा है तो इसको क्या करें, थोड़ा सा बीच से भी फार करके डाल सकते हैं, ऐसे लंबे लंबे काट करके फिर बीच से फार सकते हैं, तो वो जल्दी से जल्दी दरदरा हम पीसना है, ज़्यादा महीन नहीं पीसना है। अगर ज़्यादा महीन पीसिएगा तो फिर वो पेस्ट बन जाएगा, तो इस तरह से हमें दरदरा पीसना है। तो इस तरह से देखिए, मैंने अपने सारे गाजर को पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल दरदरा करना है, बंद करना है, चलाना है, बंद करना है। इस तरह से हमें मिक्सी को चलाते हुए गाजर को ग्राइंड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने कढ़ाई लिया हुआ है, नॉनस्टिक का कढ़ाई है। इसमें मैंने 2 चम्मच, बड़ी चम्मच घी रखा है। घी का रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, मैंने घर का ही बनाया हुआ घी डाल रही हूँ। उसके बाद आप इसी में गाजर डाल दीजिए, घिसा हुआ, सॉरी पेस्ट बनाया हुआ जो हमने ग्राइंड किया है वो गाजर डाल दीजिए, क्योंकि मैं गाजर को घिसी नहीं हूँ, इसको मैंने दरदरा ग्राइंड किया है। तो इस तरह से हमें इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से घी के साथ भूनना है, ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो निकल के बाहर चला जाएगा। बहुत ही जल्दी बन जाता है ये हलवा, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना पड़ता है घिसने में, ये मिनटों में बन जाता है। ग्राइंड कर लीजिए मिक्सी जार में डाल करके। तो ये देखिए, इसका सारा मॉइस्चर लगभग उड़ चुका है। तो इसमें अब नेक्स्ट में हम डालेंगे इसमें, ये देखिए मैंने 1 कप दूध डाला है। दूध डालने के बाद एक बार अच्छे से मिक्स कर ले। और ये कंडेंस मिल्क है, कंडेंस मिल्क थोड़ा सा अभी ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, क्योंकि मैंने तुरंत ही बनाया था कंडेंस मिल्क, तो फ्रिज में रखने के बाद ये थोड़ा टाइट हो जाता है, थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। तो इसकी भी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो इस तरह से इसे हमें चलाना है जब तक ये अच्छे से इसका क्वांटिटी बिल्कुल कम ना हो जाए। उसके बाद 1/2 कप चीनी डालना है। चीनी आप अपने स्वाद के हिसाब से रखिए, क्योंकि कंडेंस मिल्क में ऑलरेडी चीनी होता है, तो उसी हिसाब से आप चीनी रखिए। अगर कम मीठा खाते हैं तो कम डालिए चीनी, और अगर ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा चीनी का क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। तो इस तरह से हमें इसे ढक करके लगभग 10 से 15 मिनट तक कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है। जब हमारा क्वांटिटी बहुत ही कम रह जाएगा इस तरह से, तो इलायची का मैंने ये देखिए उसको क्रश कर लिया है, और ड्राई फ्रूट्स मैंने डाल दिया है। ड्राई फ्रूट्स में पिस्ता, बादाम, काजू वगैरह आप ले सकते हैं, आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद आता है। तो इस तरह से हमें करते हुए इसे पकाना है 5 से 10 मिनट तक। ये देखिए, हमारा गाजर का बहुत ही परफेक्ट टेक्सचर आ चुका है। तो ये देखिए, परफेक्ट टेक्सचर हमारा गाजर का हो चुका है, और ये पैन को भी लगभग छोड़ने लगा है। ज़्यादा इसे आप गाढ़ा नहीं कीजिए, क्योंकि करिएगा तो फिर ये रखने गैस से उतारने के बाद ऑलरेडी ये सूख जाता है। तो इसे इसी टेक्सचर में रखें, इससे ज़्यादा गाढ़ा ना करें।
तो इसके बाद इसे हम एक बाउल में निकालते हैं सर्व करने के लिए और गार्निश कर देते हैं ड्राई फ्रूट्स के साथ। ये देखिए काजू से मैंने इस तरह से गार्निश किया है, उसके ऊपर से बादाम पिस्ता डाल दीजिए ताकि देखने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी और स्वादिष्ट लगे। तो ये देखिए हमारा गाजर का हलवा रेडी है, बिना घी से गाजर का हलवा रेडी है। मिक्सी में मैंने इसे ग्राइंड करके बनाया है, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही यम्मी गाजर का हलवा बन के रेडी है दोस्तों। खाने में उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट है जितना कि ये देखने में खूबसूरत लग रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि ये बहुत ही कम टाइम में बनता है, झटपट बनता है। तो इस सीज़न, अभी गाजर का सीज़न चल रहा है, तो आप ज़रूर से ज़रूर इसे अपने घर पे बनाइए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अभी लाइक का बटन हिट कर दीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव ज़रूर से ज़रूर लिखिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए ये मेरा रहा आज का गाजर का हलवा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। किरण्स किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है।